क्या होगा अगर इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसी हमलों की चपेट में आ जाए। ऐसी किसी भी परिस्थिति में रूस भले ही जो भी सोच रहा हो, लेकिन ऐसे हालात में अमेरिका ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अमेरिका के ये इरादे रूस के अरमानों पर पानी फेरने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन के पास एक योजना है जिसके मुताबिक अगर हमले में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जान भी चली जाती है तो यूक्रेन में मौजूदा सरकार जारी रहेगी, यानी कि रूस यहां पर अपनी पसंद की सरकार नहीं बना सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ठिकाना हाल के दिनों में रहस्यमय है। युद्ध के बीच आखिर ज़ेलेंस्की कहाँ है? उन्होंने दावा किया था कि वह देश की राजधानी कीव नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया था कि वह रूसी सैन्य अभियान का नंबर एक टारगेट थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवन और उनके परिवार के लिए यह हमला सीधा खतरा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि अगर ज़ेलेंस्की की सेना हार भी जाती है तो पोलैंड से निर्वासित सरकार काम कर सकती है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों के पास एक योजना है। अगर राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की देश में चल रहे रूसी सैन्य अभियान का शिकार भी हो जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है तो यूक्रेन के पास एक योजना है जिसकी वजह से यूक्रेन में वहां की सरकार कायम रहेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन के पास योजना है कि मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं या किसी भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह तय है कि यूक्रेन में सरकार की निरंतरता जारी रहेगी, ऐसा किसी भी तरह से होगा। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों के बीच अभी इस बात पर बहस चल रही है कि अगर रूसी हमले में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मौत हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या फिर ऐसी परिस्थिति में नेतृत्व संकट को कैसे सुलझाया जाएगा। अगर यूक्रेन के संविधान की बात करें तो संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो संसद के चेयरमैन यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में स्पीकर राष्ट्रपति की जगह ले लेते हैं। इस वक्त रुस्लान स्टेफनचुक यूक्रेन की संसद के अध्यक्ष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।